use Martin's rules. Solve the following system of equations. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वन दिए गए, क्वेश्चन टू दिए गए, मार्टिन रूल यूज करके आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स वाई वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए हम जो है एक्स वाई कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो एक्स वाई कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या होगा, 3 3x 1 5 3, ठीक है। और फिर कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई का, 3x y, फिर कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स बनाएंगे, तो 7 8 12 7 8, है ना, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स ए मानते हैं और इसको मैट्रिक्स एक्स मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी, है ना। तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी, ये आपके प्रूफ किया था, ठीक है। ए इनवर्स से कोसाइन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी मिल जाएगा। अब हमको ए इनवर्स बी को निकालना है, एक्स वाई वैल्यू आ जाएगी, तो ए इनवर्स बी के लिए ए इनवर्स पर डिपेंड करें, तो ए इनवर्स क्या होगा, मतलब ए इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए, क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट आप ये लिख लीजिए, एडजॉइंट आप क्या होगा, एडजॉइंट आप लिखने के लिए क्या करेंगे, बताइए, डायगनल एलिमेंट चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, तो डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीन यहाँ तीन है, इसके को यहाँ कर दीजिएगा, इसके को यहाँ कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनचेंज रहेगा, तो ये आपका 3 ही रहेगा, क्या रहेगा, 3, ये भी आपका 3 हो गया। अब सब डायगनल के एलिमेंट की क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, साइन क्या करेंगे बदलेंगे, 1 है 5, तो क्या करेंगे -1 कर देंगे, -5 कर देंगे। अब बी, बी की वैल्यू रख दीजिए, तो बी की वैल्यू क्या है, 7 है 12, है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, अब देखिए फर्स्ट रो ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 8 to 7 और प्लस 12 into -1, फिर 3, फिर जो है फिर क्या करिएगा, -1 into 12 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 -1 into 12
आप जो है इनवर्स निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए, डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा यू गेट 3153 है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा -5 × 1 हो जाएगा है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 9 − 5, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 हो गया ठीक है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा आपका ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए 1/4 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए जो है 3 − 1 − 5 = 3 ठीक है। अब चलिए अब क्या चाहते हैं, अब जो है एक्स स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना होगा ए इनवर्स बी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू जो है 1/4 ठीक है, 3 − 1 − 5 = 3 बी की वैल्यू दीजिए, तो बी की वैल्यू कितना है, बी वैल्यू 7 × 12 तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया होगा 1/4 जैसे वैसे लिखा जाएगा एक्स इक्वल टू 1/4। अब फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 7 फिर +12 − 1 ठीक है, फिर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे −5 × 7 और +3 × 12 हो जाएगा है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/4 हो जाएगा 21 − 12 ठीक है, -35 + 36
प्लस थर्टी सिक्स है ना। तो एक्स इज टू कितना हो गया 1/4, ये हो जाएगा आपका 21 से 12 माइनस 9 हो जाएगा और 9/35 ये प्लस हो जाएगा। इससे से एक्स इज टू कितना हो गया, एक्स इज टू हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स वाई है, एक्स वाई भी नहीं है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगी 9/5 और 1/4 ठीक है। इस ऐसे ऐसे कर देते हो, ऐसे कर दो क्या आपका 9/4 एंड y कर दो क्या 1/4 ठीक है। चलिए ऐसे लेके क्या Right.